देखिए बच्चे यहाँ पे एसी पीसीबी का रिपेयरिंग कोर्स कर रहे हैं, पीसीबी रिपेयरिंग सीख रहे हैं, प्रॉपर प्रैक्टिकल क्लास चल रहा है, अभी समझ रहे हैं, प्रॉपर प्रैक्टिकल क्लास चल रहा है। एसी पीसीबी, इन्वर्टर पीसीबी का, वॉशिंग मशीन पीसीबी, आपको फ्रिज पीसीबी, रेफ्रिजरेटर पीसीबी का रिपेयरिंग क्लास चल रहा है, प्रॉपर बच्चे प्रैक्टिकल कर रहे हैं। आइए जानते हैं इनसे कि कैसा क्लास चल रहा है, आप देखिए कैसा क्लास चल रहा है। या कई बार ये जुड़ी होती है मेल से, वो देखना पड़ता है जुड़ी किससे। जी सर, तो रिमोट से मिलने वाली कमांड को ये सेंसर आपकी मेन आईसी तक भेजता है। जी, फिर मेन आईसी उसी हिसाब से कमांड भेजता है जो चीज़ आपने सेलेक्ट करी है वहाँ तक। मान लीजिए कोई रिले लगी है हाई मीडियम लो की, तो आपने लो सेलेक्ट करा, तो यहाँ से लो की कमांड इस पर पहुँची, तो ये लो पे 5 वोल्ट देगा और लो वाली रिले ऑन हो जाएगी। तो ये होता है सेंसर का काम। अब आपका रिमोट काम नहीं कर रहा है, फॉल्ट इसका क्या आएगा, रिमोट काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रिमोट काम नहीं कर रहा है, सबसे पहले आपको इसकी 5 वोल्ट चेक करनी है, ठीक है। 3.3 भी आ सकती है, सेंसर 5 वोल्ट से 3.3 तक चलते हैं, कम आएंगे ऐसे केस। तो ये 5 वोल्ट चेक करो आप यहाँ पे, इसके बाद चेक करोगे आईआर वाली वोल्टेज। देखिए प्रैक्टिकल क्लास चल रही है यहाँ पे एसी पीसीबी का, प्रॉपर प्रैक्टिकल बच्चे क्लास कर रहे हैं एसी पीसीबी का। अगर आप देखते हैं यहाँ पे, देखिए प्रैक्टिकल चल रही है क्लास। दबाओगे तो इसकी कमांड सेंसर, देखिए यहाँ पे पीसीबी बच्चे रिपेयर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर अभी आप? मैं सर पीसीबी रिपेयर कर रहा हूँ, इसकी 5 वोल्ट इनेबल आईसी की ख़राब हो गई है, उसे ट्रैक को सही कर रहा हूँ, जो ग्राउंड देती है इसको उसको सही कर रहा हूँ। प्रिंट से दूसरे प्रिंट पे अब सप्लाई देके देखनी है, वहाँ से चालू करूँगा इसको। देखिए बच्चे प्रैक्टिकल कर रहे हैं प्रॉपर एसी पीसीबी रिपेयरिंग कोर्स, आपको ज्वाइन करना है। इन्वर्टर एसी पीसीबी कोर्स हो गया, नॉन इन्वर्टर पीसीबी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज पीसीबी, कल भी कम्प्लीट आइए, प्रैक्टिकल क्लास कीजिए। यहाँ प्रॉपर प्रैक्टिकल क्लास चलती है आपको एसी पीसीबी का। देखिए यहाँ पे बच्चे वर्क कर रहे हैं। थैंक यू गाइज, अगर आपको चैनल के सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू।